नमस्कार वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, हॉलिस्टिक फिटनेस कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल श्री पंचतत्व पर। और आज का जो हमारा विषय है वो है दीप जलाने का महत्व। तो जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो उससे पहले हमें अपनी हिस्ट्री को थोड़ा सा देखना चाहिए। तो इस वीडियो दीप जलाने के महत्व को लेके हम आज बात कर रहे हैं। तो इस जो ये भारतवर्ष में परंपरा आई है, तो सबसे पहले गुरु नानक जी को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहूँगा, और सिख के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद साहब, उनके भी चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहूँगा। जो मैंने इतिहास में पढ़ा, जैसा कि जो सिखों के गुरु हैं गुरु गोविंद साहब, उनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था और 1699 में उन्होंने प्रकाश पर्व की स्थापना करी थी। और ये प्रकाश पर्व एक बहुत सम्मानजनक के साथ पूरे भारतवर्ष में एक प्रकाश पर्व के नाम से मनाया जाता है। और ये प्रकाश पर्व बनाने का अगर आप इतिहास देखेंगे तो देखेंगे कि उस समय भारतवर्ष में मुगलों से बहुत ज़्यादा त्राही तराही हो रही थी भारतवर्ष में। तो गुरु गोविंद साहब ने इसका नेतृत्व किया और 1699 में इस पे फतेह हासिल करके और प्रकाश पर्व की स्थापना करी। अगर आज का हम सिनेरियो देखें तो वो थोड़ा सा अलग है। पूरा विश्व एक विषाणु जिसका नाम कोरोना है उससे गुजर रहा है, और इससे समाधान पाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया है कि सब दीप जलाएं 9 बजे। तो आज हम बताएंगे कि आप दीप क्यों जलाएं और कौन सा जलाएं, कैसे जलाएं। तो दीप जलाने से पहले 2-3 चीज़ों का आप समझें। सबसे पहले तो आप दीप क्यों जलाना चाह रहे हैं, क्यों दीप क्यों जलाएं। और तो सबसे पहले अगर दीप जलाते हैं तो आप गौग्रत का दिया जलाएं। गौग्रत का दिया जलाने से पहले एक सावधानी बरतें हैं कि जो घी है वो देसी गाय गौ माता का ही होना चाहिए। देसी गौ माता का 10 ग्राम घी लेंगे और आप दीपक जलाएंगे तो उससे 1000 टन आपको प्राणवायु मिलेगी, और जो कि आपको बहुत ज़्यादा उत्साह देगी, और उत्साह से आपको आपके बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और एक आप पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्रेशन आएगी, और जिससे कि भारतवर्ष में जो एक कोरोना से ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है उसमें कमी आएगी। तो सबसे पहले प्रयास करें कि देसी घी का दिया जलाएं। उसके बाद दूसरा है, अगर किसी के पास देसी घी नहीं है तो देसी सरसों के तेल का दिया जलाएं, और उसमें 2 से 4 लौंग उसमें डाल सकते हैं। और लौंग क्यों डालें? लौंग डालने का ये है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है उसकी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल। और क्योंकि अभी जो जिस तरीके से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो विषाणु वाली है, तो जैसे तेल है सरसों का उसमें भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। तो दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन है कि देश अपना सरसों के तेल का दिया जलाएं, और उसमें ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपका तेल है वो शुद्ध सरसों का होना चाहिए, GMO हाइब्रिड का नहीं होना चाहिए। सरसों की तेल की पहचान ये है कि जब आप उसको डालते हैं अपनी कढ़ाई में तो झड़प, मतलब थोड़ा सा आँखों में चुभता है, तो वो देसी तेल की अच्छी पहचान है। और तीसरा ऑप्शन है कि जो हमारे मोदी साहब जी ने बताया कि टॉर्च या लाइट जलाएं, तो टॉर्च और लाइट जलाने से नेगेटिव वाइब्रेशन होती है और राहु ज़्यादा बढ़ता है। तो प्रयास करें कि ये 2 दीपक जलाएं, है ना, और दीपक जलाने का प्रयास करें। नहीं जला सकते तो मतलब आराम से शांति से मतलब बैठ सकते हैं, योग कर सकते हैं, मंत्र जो भी जिस भी धर्म के आप उपासक हैं मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, जिससे मंत्र चिकित्सा के नाम से एक सनातन पद्धति है, उससे भी हमारे भारतवर्ष में जो समस्या उससे भी निदान पाने में हमारे को प्राप्ति होगी। तो प्रयास करें कि दीपक जलाएं और गौग्रत का जलाएं, या तो आपका तेल का जलाएं। अगर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है तो कपूर ऑप्शन है तो वो कपूर भी जला सकता है, उससे भी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है और हम विषाणुओं से के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनको समाप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार, वंदे मातरम, आपका भाई।